हाय, इस बार बहुत इंतजार करवाया आप। सब्र का फल मीठा होता है। पर मुझे तो तीखा पसंद है। सुनो ना, तुम्हारे पति आ गए तो? नहीं आएंगे। इतनी श्योर हो? बाहर गए कुछ काम से। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था, क्या हम भी बाहर चलते हैं? चलो। तुम्हें क्या पसंद है, कैसी जगह पसंद है? मुझे तो हिल स्टेशन बहुत पसंद है। हिल स्टेशन? तो क्यों ना आज इस जगह को ही हिल स्टेशन बना दें, क्या ख्याल है? तो देर किस बात की? जल्दी बताओ, तुम दोनों ने ही मिलके मारा है ना उसे? सर, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। जल्दी बताओ, सिर्फ यही एक केस नहीं है हमारे पास। तुम ये क्या बोल रही हो स्वाति, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ए, तुम चुप रहो, मुझे उससे बात करना है। तुम बोलो। सर, सब कुछ ठीक चल रहा था, मुझे आज भी याद है संडे का वो मनहूस दिन जिस दिन मेरी मुलाकात विकास से हुई थी। अरे मैडम, आज आपके हाथ की चाय मिलेगी या फिर बीरबल की खिचड़ी बन रही है? सुबह की चाय में भी एक घंटा लगता है क्या? सॉरी बाबा, सब्र का फल मीठा होता है। व्हाट मीठा? तुम जानती नहीं हो मुझे मीठा नहीं नमकीन पसंद है, और मेरा नमकीन मिसिंग है। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं सैंडविचेस बनाना भूल गई। कहीं तुम मीठे अच्छा बाबा, चलो, चलना नहीं है क्या? आज नहीं मैडम, का शॉपिंग जाने का प्लान तो नहीं? प्लीज ना। अरे यार, सिर्फ संडे ही मिलता है आराम करने को, मुझसे कोई उम्मीद मत करो, आज तुम खुद ही मैनेज कर लो। ओके, मैं ही देख लेती हूँ। तुम्हें तो बस तुम्हारा लैपटॉप और तुम्हारा मोबाइल, वही प्यारा है, मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है। अरे मेरी बात सुनो ना, अपन शाम को चल लेंगे, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम ये है कि घर में नमक नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि शक्कर भी खत्म होने वाली है, और प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 3 दिन का आटा बचा है। चलो बाबा, चलते हैं। तो गेट रेडी। वेट। हेलो जी बॉस, सॉरी। हाँ सर, सॉरी सॉरी सर, मैं भूल गया था। जी सर, मैं अभी प्रेजेंटेशन तैयार कर लेता हूँ। ओके सर। सॉरी यार, अब मैं तो नहीं जा पाऊंगा, तुम अपना खुद मैनेज कर लो। दिस इज नॉट फेयर, तुम्हारे बॉस संडे को भी आराम नहीं देते। यार इनफ इज इनफ, ये काम भी बहुत जरूरी है, और अब मैं नहीं चल पाऊंगा, तुम अपना खुद से मैनेज कर लो। ठीक है, मत चलो, करो अपना काम। Thank you.
मैम, यू ओके मैम? वो पता नहीं कैसे क्या, हाँ सडनली मैं यहाँ से जा रहा था, मैंने देखा आप सडनली टकरा गई, क्या हुआ, आई ओके? आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैम आपके पास इतने भारी बैग्स हैं, आप कैसे जाएंगे? आइए मैं आपको छोड़ दूँ, प्लीज चलिए, प्लीज प्लीज बी कंफर्टेबल प्लीज। यू ओके? या आई एम ओके। एनीवे चलें। चलिए जी, लीजिए भाई, आ गई मंजिल। वो ये जो बिल्डिंग है, 7th floor 701, मैं यही रहता हूँ। नाइस बिल्डिंग। या दैट्स इट। बाय द वे, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू? वेल आई एम अ डीजे। डीजे? वाओ, आई लव म्यूजिक। सीरियसली? यस। म्यूजिक किसे पसंद है? वैसे वुड यू माइंड हैविंग अ कप ऑफ कॉफी विद मी? आज नहीं, मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ, फिर कभी। ओह कम ऑन, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन कप कॉफी। कितना ही टाइम लगेगा? हार्डली 5 मिनट। नेक्स्ट टाइम। पक्का? पक्का। तो फिर ये कॉफी आप पे उधार रही हैं? हाँ। ओके चले तो फिर अभी। चलिए। इस बिल्डिंग में रहती हूँ मैं, 4th floor पे। 4th floor? Yeah. कभी आइएगा? Sure. चलो चलिए। जल्दी मिलते हैं। मेरे बैग्स। Thank you. Nice to meet you. Bye. वाह दीदी, आपका ये खाना तो एकदम कमाल है, मजा ही आ गया बिल्कुल। इट्स सो ऑसम। वो तो है। बेस्ट इन टेस्ट स्वाति फूड। हाँ, तुमको पता है आज ऑफिस में क्या हुआ? मैंने वो लड्डू विशाल को खिलाया, वो तो पागल ही हो गया। पूछ रहा था मुझसे कि किसने बनाया है, मैंने कहा मेरी बीवी ने बनाया है। थैंक यू। जीजा जी, वैसे मैं कह रही थी कि आप भी ना एक कार ले ही लो। अरे इस समय कैसे पॉसिबल होगा, वैसे भी मेरी सैलरी में 2 साल से इंक्रीमेंट भी नहीं हुई है। लेकिन जीजू, आजकल लो कॉस्ट सीएमआई पर भी तो कार ले सकते हो आप। देखिए ना, मैंने आपको एसी के लिए भी बोला, आपने एसी के लिए मना कर दिया, अब कार भी नहीं ले रहे हैं। हमें कुछ तो लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए ना, कुछ स्टैंडर्ड है हमारा भी। अरे मैडम, हमारी सैलरी 30,000 है, उसमें ही घर का खर्चा चल जाता है, और तुम कार लेने की बात कर रही हो, इम्पॉसिबल।
तुम्हें जो करना है वो करो, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पे। अरे सुनो, रूट कर चली गई, अब मनाना पड़ेगा। अच्छा सुनो, वैसे मैं 3 दिन बाद मीटिंग के लिए गोवा जा रहा हूँ जी, और देखो तुम्हारी दीदी रूट करके बैठ गई है। डोंट वरी जिया जी, आई विल टेक केयर ऑफ हर। थैंक यू। मेरे हिसाब से शायद दीदी का फोन बज रहा है। कौन है? कुछ नहीं जिया जी, आई गेस अननोन नंबर है। ओके क्या हुआ? कुछ नहीं जी, वो आजकल बहुत सारे कंपनी के कॉल्स आता है। अच्छा। तो वो ही नंबर था। किस बिल्डिंग में रहती हूँ? 4th फ्लोर पे। 4th फ्लोर? या कभी आइएगा। श्योर, चलो फिर मैं जल्दी मिलता हूँ। क्या बात है, आजकल फोन में ज्यादा ही बिजी हो? वो मैंने एक नया व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है मेरे कॉलेज फ्रेंड्स का, बहुत अच्छे जोक्स भेजते हैं। अच्छा। अरे यार काफी लेट हो गया है मुझे। चलो बेबी मैं जा रहा हूँ, कल शाम को आऊंगा। अपना ध्यान रखना है ना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो रेशमा को बुला लेना। बिल्कुल, ठीक है, बाय, टेक केयर। यू टू, बाय। हेलो। हाँ वो गया, आ जाओ तुम। हाय, इस बार बहुत इंतजार करवाया आपने। सब्र का फल मीठा होता है। पर मुझे तो तीखा पसंद है। सुनो ना। तुम्हारे पति आ गए तो? नहीं आएंगे। इतनी शोर हो? बाहर गए कुछ काम से। अच्छा मैं क्या सोच रहा था? क्या? हम भी बाहर चलते हैं ना। चल। तुम्हें क्या पसंद है, कैसी जगह पसंद है? मुझे तो हिल स्टेशन बहुत पसंद है। हिल स्टेशन? तो क्यों ना आज इस जगह को ही हिल स्टेशन बना दें, क्या ख्याल है?
तो देर किस बात की। सर जब हम लोग घर पर आए तो हमें विकास की लाश मिली और फिर हमने तुरंत पुलिस स्टेशन फोन किया। सच बोल रही हो तुम? हाँ सर, मैं एकदम सच बोल रही हूँ। ठीक है, अभी तुम लोग जाओ, लेकिन हाँ, पूछताछ के लिए तुम्हें थाने आना पड़ेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ शिंदे बोल। तेरा कहने का मतलब है कि विकास की 3 महीने से इसी नंबर से बात हो रही थी और हत्या वाले दिन ये नंबर लोकेशन पर मौजूद था? किसका नंबर है ये? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बताती हूँ सर, सब बताती हूँ। जल्दी बोल, क्यों मारा उसको? सर वो हुआ ये था कि मैं और विकास दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रेशमा लिसन नाउ, आई टोल्ड यू ना मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है। कम ऑन ना, ये मोबाइल क्या पकड़ी है? तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ, तुम फोन पकड़ी हुई है। अच्छा बाबा बोलो। मेरी बात सुनो। सी यू नो वी आर गुड फ्रेंड्स राइट? और मेरे को इतनी अंडरस्टैंडिंग तुम में दिखती है ना कि मेरे को लगता है कि इससे ज़्यादा बॉन्ड मैं किसी के साथ भी शेयर नहीं करता हूँ। तो देखो मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। रेशमा एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से तुमसे कहना चाह रहा था कि रेशमा आई लव यू, आई लव यू लाइक एनीथिंग। विकास देखो वी आर गुड फ्रेंड्स बट लव इट्स नॉट माय काइंड एंड हमारा एज डिफरेंस बहुत है यार। वी आर गुड फ्रेंड्स राइट? तो हमें फ्रेंड्स ही रहना चाहिए। रेशमा रेशमा लिसन लिसन, यू टेक योर टाइम बेबी, ओके? आई मीन कोई जल्दी नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ जो मेरा बॉन्ड है मैं किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता बेबी। आई रियली लव यू, आई एम डीपली इन लव यू। ओके विकास, आई थिंक सो तुम सही बोल रहे हो। So much, baby. Okay. So much. I mean, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश, कितना blessed feel कर रहा हूँ। लेकिन विकास, please एक बात ध्यान रखना। कभी मेरा दिल मत तोड़ना। Never, never, baby. I really love you like anything. यही तो तुम्हारा प्यार है ना? तुमने पहले मेरा इस्तेमाल करा और तुम इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर रहे हो। मैंने कितना प्यार किया था तुमसे और कहा भी था कि मुझे कभी हर्ट मत करना। यू हर्टेड मी विकास। मेरी बात सुन। मेरा बच्चा क्या होगा? मेरी बात सुन। देखो खत्म हो गया। नहीं कुछ खत्म नहीं हुआ है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। मैं शादी करूंगा तुमसे, लेकिन मेरी बात समझो, मेरे को भी फॉरेन जाना है, यू नो दैट राइट? सिर्फ 6 महीने की तो बात है। सिर्फ 6 महीने की बात है और हमारे बच्चे का क्या, हमारे प्यार की निशानी का क्या? उस टाइम तक मैं इसका क्या करूंगी विकास, क्या करूंगी? रेशमा मेरी बात सुन। देखो you cheated me. तुमने मेरे ट्रस्ट का बहुत गलत फायदा उठाया विकास। नो रेशमा नो, सब कुछ खत्म हो गया। गॉड डैम इट। रेशमा देखो मेरी बात सुन। देखो कुछ खत्म नहीं हुआ, ये बच्चा हम इस दुनिया में लाएंगे लेकिन शादी के बाद राइट? और हमारा करियर भी तो इंपॉर्टेंट है ना, मेरा करियर, तुम्हारा करियर। इट्स नॉट अबाउट नॉट गेटिंग मैरिड टू यू, इट्स प्लीज बेबी मुझे कुछ महीने दे दो प्लीज। ओके मैं तुम्हें 3 महीने दे रही हूँ, तुम्हारे पास 3 महीना है।
इन 3 महीनों में तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हारा करियर, तुम्हारा फॉरेन ट्रिप, जो भी देखना है तुम देखो, लेकिन अगर 3 महीने बाद कुछ नहीं हुआ, अदरवाइज यू हैव टू रिग्रेट दैट थिंग. ओके, 3 months. या थैंक्स. उस दिन हुआ यूं था कि घर पे कोई नहीं था, दीदी और जय जी बाहर गए थे, सिर्फ इसलिए मैंने विकास को कॉल करके घर पे बुला लिया था. उसके बाद मैंने उसे जान से मार दिया. हाय, इतना इंतजार, लेकिन कोई बात नहीं, इंतजार का फल मीठा ही होता है. सरप्राइज. रेशमा तुम? हाँ मैं. क्यों, कोई और होना चाहिए. लेकिन तुम क्या है, तुम यहाँ क्या कर रही? कहा था ना फर्क मत करना. Don't hurt me. Yes sir, I am guilty. मैंने विकास को मारा है. सर मुझे माफ कर दीजिए सर. मैं नफरत में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने उस इंसान की जान ले ली. अफसोस, जलन और नफरत में किए गए काम का अंजाम हमेशा बुरा होता है. और वही तुमने किया.